पबजी बैन। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में बहुत टाइम से ये बात चल रहा था कि पबजी को बैन कर देना चाहिए। तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे 118 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है इंडिया में, जिसमें पबजी मोबाइल और पबजी लाइट भी शामिल है। तो अगर आप एक पबजी प्लेयर है या फिर पबजी में इंटरेस्टेड है या फिर आपने आरपी खरीद रखा है तो ये आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब आप पबजी को नहीं खेल पाएंगे। अब पबजी को बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचा दो जो पबजी खेलते हैं, इंटरेस्टेड है और जिन्होंने आरपी खरीद रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बहुत टाइम से ये बात चल रहा था कि पबजी को बैन करो। तो फाइनली इंडिया में बैन हो चुका है। हो सकता है आपने आरपी खरीदा हो सकता है आप पबजी के बहुत अच्छे प्लेयर हो या फिर आपको पबजी से बहुत प्यार हो, लेकिन एट द एंड यार, अगर मैं अपना ब्लंट ओपिनियन शेयर करूं तो एट द एंड आपको अपने कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने अगर इसको बैन किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बैन किया होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अब क्या रीज़न ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा आपके कंट्री के हित में। तो यार देखो, हमारे लिए सबसे पहले कंट्री है, कंट्री के बाद ही कुछ है, ठीक है। अगर हमारे कंट्री के हित में जो भी है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे खुले दिल से, और जो हमारे कंट्री के हित में नहीं है हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ये सिंपल सी बात है। तो अगर इंडिया में बैन कर दिया गया है तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। देखो, ये बैन होने से सिर्फ पबजी बैन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ई स्पोर्ट्स पे, क्योंकि इंडिया में अभी ई स्पोर्ट्स ग्रो होना स्टार्ट हुआ था। अभी जो पबजी है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ई स्पोर्ट्स को। अभी ई स्पोर्ट्स का क्या हमारे स्कोप है कुछ भी? अभी पबजी जब से आया तब से लोग ये समझ लगे हाँ ई स्पोर्ट्स होता है, इसका टूर्नामेंट भी होता है, इसका मैचेस भी होता है। और कौन सा गेम का इतना मैचेस देखा है कभी आपने? तो कहीं ना कहीं हमारे देश को अभी ये बूस्ट था, लेकिन बूस्ट होने से पहले उसका जड़ कट गया। तो क्या कर सकते हैं हम, वापस से उसी उतने ही साल पीछे चले गए जब फिर से जो ये स्टार्ट हुआ था। तो बस दोस्तों, अब मैं क्या ही कहूँ अगर ये बैन हो गया तो। देखो यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई है जो कि पबजी को अपना करियर लेके चल रहे थे, या फिर पबजी सोच रहे थे कि मैं स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं पबजी प्लेयर बनूंगा, पबजी लाइव स्ट्रीम करूंगा। तो ऐसे में देखो, अगर आप पबजी लाइव स्ट्रीम करने सोच रहे हो, अभी तो बैन हो गया, तो देखो आप शॉर्ट टर्म देख के मत चलो। मैं आपको एक अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो शॉर्ट टर्म देख के अपना करियर को सेट मत करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म देख के करो कि जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी हो, जिसमें आपका स्कोप हो, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे हाँ भैया यहाँ इनकम बहुत है, इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ, तो इनकम तो आपको मिल जाएगा। क्या पता कि वो जो जिस धरती पर आप खड़े हो वहाँ वो घसक जाए और गिर जाओ आप नीचे। तो इसलिए ये सब काम नहीं करना है आपको। अगर करियर बनाना है तो करियर आपको कुछ स्कोप देखना है कि लंबा स्कोप किधर है, मैं कहाँ पे एकदम स्टेबल रह सकता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ पबजी पे डिपेंडेंट थे और इसको करियर लेकर चल रहे थे। अब बताओ ऐसे लोगों का क्या होगा? जो कि ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो वो सेट होंगे ही, लेकिन ऐसे में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है कुछ लोगों के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं, अगर आप किसी भी करियर के रूप में अगर किसी को सेट करते हैं, तो पहले उसके बारे में 10 बार 50 बार जरूर सोचो, उसके बाद किसी भी चीज़ को जो है आप अपने करियर के लिए चूज़ करो। तो बस दोस्तों, ये मेरा कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन था। आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना उन सभी लोगों तक जो पबजी के प्लेयर हैं जिन्होंने आरपी खरीद रखा है। तो चलो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ इंस्टाग्राम नीचे आईडी दिख रहा होगा, जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें पूरा 118 एप्लीकेशंस का लिस्ट है। आप इसको देखो और एंजॉय करो।